गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। एक पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा पर्सनैलिटी रिलेटेड रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट्स जो है अभी पे करे हैं, वैसे जो पर्सनैलिटी है हमने इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है, खासतौर पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम सेमी एनुअल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है, ये भी आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में इसे पढ़ेंगे। एपीआईज क्या होती है यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन आईसीएमआर को लेकर होगा, टीआईडब्ल्यूपी के बारे में डिस्कशन करते हुए। नोबल प्राइज जो मेडिसिन के लिए दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अलीबाग वाइट अनियन के बारे में डिस्कस करते हुए हम यहाँ पर अटलांटिक नीनो के बारे में जानेंगे। एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक क्वेश्चन जो है हमारा रहने वाला है, बिकॉज प्रीलिम्स एग्जाम बस आपका आ ही चुका है, तो अभी इस सैटरडे को आपका लास्ट मॉक टेस्ट जो है वो कराया जाएगा, क्योंकि संडे को तो वैसे भी आपका एग्जाम है, तो संडे को जो है डेफिनेटली हम एनालिसिस करेंगे जो भी आपका पेपर नंबर वन यहाँ पर आता है। वी विल सी कि सी सेट जो है, क्योंकि देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो पेपर नंबर वन की होती है, क्योंकि मेरिट आपकी इसी के बेसिस पर डिसाइड होती है। सो इसका सॉल्यूशन तो हम एनालाइज करके देंगे ही संडे को ही। एंड सी सेट का भी देखते हैं कि अगर लगता है कि आपकी तरफ से इसको लेकर रिक्वायरमेंट आती है, सो वी विल पोस्ट वीडियोज ऑन सी सेट एनालिसिस एज वेल। ठीक है, तो संडे जो हमारा होगा वो अभी पूरी तरीके से डेडिकेट होगा आपके एग्जाम के एनालिसिस को लेकर, और जो अभी तक हमारे प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस मंथ्स भी हमारे गए हैं उनके जो मैराथन सेशंस बचे हैं वो भी हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। बट हाँ, आपका जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो सैटरडे को होगा, और ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो कि exam.netmock.com पे होने वाला है वो भी आपका यहीं पर होगा। जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इस ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा exam.netmock.com के ऊपर। फेस्ट 50 कोड को यूज कर सकते हैं, फेस्ट 50 कोड से आपको स्ट्रेट अवे exam.netmock.com के ऊपर 50% डिस्काउंट जो है वेरियस सीरीज के ऊपर मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ पर अपने टारगेट को देखते हैं। तो कट ऑफ जो रखी गई है 6 मार्क्स की रखी गई है, आपको कोशिश पूरी यही करनी है कि यहाँ पर कट ऑफ को आप क्रॉस करें, और वैसे चाहें तो अपना कोई भी टारगेट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं ब्रीफली आपको मिशन यूपीएससी 2022 के बारे में बता देता हूँ। सो मिशन यूपीएससी 2022 को भी आप exam.netmock.com पे फाउंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं जल्दी से अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ पर पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्याम जी कृष्ण वर्मा, और इनको लेकर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, सोचिए। ही एस्टैब्लिश्ड द इंडिया हाउस इन लंडन टू प्रमोट द नेशनलिस्ट व्यूज अमंग द इंडियंस इन ब्रिटेन। तो यहाँ पर इंडिया हाउस उनके द्वारा लंडन में बनाया गया था, हो सकता है ताकि हमारे व्यूज को बढ़ावा मिल सके, इंडियंस के व्यूज को बढ़ावा मिल सके, भारतीयों के व्यूज को बढ़ावा मिल सके। ही स्टार्टेड द मंथली इंडियन सोशियोलॉजिस्ट करके 1905 में मंथली सर्कुलर भी वो लेकर आए थे। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसमें क्या आंसर होगा, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने ट्रिब्यूट जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर पे करे। एंड यस, ही ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एन ओपन इंडिया हाउस लंडन के अंदर बनाया था, ताकि हमारे विचारों को लंडन के अंदर भी बढ़ाया जा सके। ठीक है, 1905 के अंदर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम के जो एक मंथली मैगजीन कह सकते हैं आप उसको, वो यहाँ पर शुरू किया गया था उनके द्वारा। ठीक है, और इसके थ्रू जो नेशनलिस्टिक आइडियाज होते थे उसको स्प्रेड करने की कोशिश करी गई थी उनके द्वारा और उनके जैसे दूसरे और रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज सेमी एनुअल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, चार ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए। 5 more seconds. Recently, जो IMF है, International Monetary Fund, Global Financial Stability Report for 2021, उसने कुछ concerns जो थे वो रेज करे थे क्रिप्टो इकोसिस्टम के ऊपर। इसी वजह से ये न्यूज में था। आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी आजकल काफी न्यूज में है, और काफी सारी कंट्रीज बेसिकली एनालाइज कर रही हैं कि इसको इंप्लीमेंट करना सही रहेगा उनके देश के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए नहीं। अभी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है इसकी एक एनुअल सेमी एनुअल रादर रिपोर्ट जो है उसे पब्लिश किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बट हाँ, यहाँ पर असेसमेंट करी गई है ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट्स, और एड्रेस किया जा रहा है एमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग को।
इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये फोकस करती है करंट मार्केट कंडीशंस के ऊपर, ये सिस्टमिक इश्यूज जो होते हैं अलग अलग इकोनॉमीज के अंदर, जिसकी वजह से रिस्क राइज हो सकता है हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर, हमारे इकोनॉमी के अंदर, उसको भी हाईलाइट इसके द्वारा किया जाता है। और बेसिकली जो मार्केट बोरोअर्स है, एमर्जिंग मार्केट बोरोअर्स, उनको मार्केट एक्सेस कैसे दिया जाए उसको लेकर भी बात इसके अंदर करी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा लाई जाती है और इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये लाई जाती है IMF के द्वारा। अगर मैं यहाँ से ये ग्लोबल शब्द हटा देता हूँ तो एक FSR फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी होती है। क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो किसके द्वारा लाई जाती है? क्योंकि देखिए एग्जाम में यही होगा कि हमें पता है कि FSR भी है और GFSR भी है, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने ये चीजें अलग अलग टाइम पर पढ़ी हो। लेकिन यहां पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब FSR के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने ग्लोबल FSR के बारे में भी आपको बताया था, और दोनों अलग अलग एजेंसीज के द्वारा लाई जाती है। एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, सो प्लीज आंसर करिएगा, क्योंकि ये चीज पढ़ाई हुई है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो IMF लेकर आता है, लेकिन अगर ये ग्लोबल वर्ड हम हटा देते हैं, FSR कौन लेकर आता है, ये कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर है। पूछ रहा है कि PIL को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन PIL को लेकर आपका सही है। जो PIL का कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जस्टिस PN भगवती के द्वारा लेकर आया गया। एंड PIL ओवर अ मैटर, ये सिर्फ वही व्यक्ति ला सकता है जो कि अग्रीव है, जो खुद किसी प्रॉब्लम को सफर कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में वही व्यक्ति इसको लेकर आ सकता है। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक पिटिशन है जो कि अभी फाइल करी गई है मद्रास हाई कोर्ट में, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है PCCF, उनका एक डिसीजन जो है उसको चैलेंज किया गया, बिकॉज एक यहाँ पर मैन हंटिंग टाइगर थे, तो ये जो मैन हंटिंग टाइगर है इसको हंट करने की, जिसका नाम MDT-23 है, इसको हंट करने की बात करी गई। देखिए हमेशा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही रहेगा, अगर ऐसा कोई टाइगर है जो कि इंसानों को मार रहा है, उसको लेकर जो PCCF है उन्होंने कहा कि ऐसे एनिमल को हंट करना चाहिए, ऐसे एनिमल को हटा देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खतरा हो सकता है, बच्चों को खतरा हो सकता है, जो गांव के आसपास के एरिया है वहां पर भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर PCCF के डिसीजन को चैलेंज किया गया है, क्योंकि जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, उनका अपना ओपिनियन होता है। देखिए दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो एक कह रहे हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए जो ऐसा टाइगर है जो कि मैन हंटिंग हो गया है, मतलब जो आदमखोर हो गया है, जो लोगों की जान ले रहा है, ठीक है, उसको हटाना चाहिए, उसको मारना चाहिए, हंट करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सर्टेन कंजर्वेशनिस्ट जो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको इस डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं PIL के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो PIL का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ठीक है, जस्टिस PN भगवती के द्वारा लेकर आया गया था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिसीजन से सफर करेगा वही इसको लेकर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस डिसीजन को देखें तो ओनली टाइगर विल सफर, तो क्या टाइगर इसको लेकर आ सकते हैं? आंसर इज नो। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, ध्यान रखिएगा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ PIL। सो PIL कैन बी फाइल्ड बाय द एग्रीड पर्सन या फिर किसी भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल या फिर सोशल एक्शन ग्रुप के द्वारा भी फाइल किया जा सकता है, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि जो व्यक्ति सफर हो रहा है वही इसको फाइल करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को लेकर पूछ रहा है कि बताएं API को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये केमिकल कंपाउंड है जो प्रोड्यूस करता है इंटेंडेड इफेक्ट्स टू क्योर द डिसीज, डिसीज को क्योर करने को लेकर जो इंपॉर्टेंट आपके बेसिकली इफेक्ट्स होते हैं उसको ये प्रोड्यूस करता है, और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है API का। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। टाइम आपका स्टार्ट हो गया। IIT दिल्ली के जो रिसर्चर है उन्होंने कैटालिटिक टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप किया है फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ चायरल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि देखिए API जो है भारत के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, और हम भारत को, इंडिया को एक वर्ल्ड की, ग्लोबल लेवल की फार्मेसी बनाना चाहते हैं, और वो फार्मेसी बनाने के लिए हमें API जो है इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन चाइना एज पर API इज कंसर्न। और चाइना अगर यहाँ पर इसकी सप्लाई बंद कर दे तो हमारा जो फार्मा सेक्टर है उसको काफी नुकसान हो सकता है। सो इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, व्हाई? बिकॉज इट इज द चाइना, चाइना जो है वो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, और अगर हम बात करें वॉल्यूम के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो आपको भारत में मिलेगी, बट हमारी जो डिपेंडेंस है API को लेकर वो इंपोर्ट के ऊपर है, और इंपोर्ट भी कहाँ से, हमारी बिल्कुल नेबरिंग कंट्री जिससे वैसे भी हमारी किसी ना किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, दैट इज चाइना। इंडिया ड्रग मेकर्स जो है 70% उनका जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सो इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, बट हाँ ये केमिकल कंपाउंड होता है
जैसे ही हम कोई मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन के जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, केमिकल चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एपीआई, वो आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की वजह से ही होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। लास्ट टाइम जब हमने ये क्वेश्चन एपीआई के ऊपर डिस्कस किया था, दैट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन। मैंने आपको वहां पर बताया था कि एपीआई जो है इसके अंदर दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। सो एवरी मेडिसिन इज मेड अप ऑफ टू मेन इंग्रेडिएंट्स, दैट इज केमिकली एक्टिव एपीआई एंड केमिकली इनएक्टिव एक्सीपीएम, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, अगर मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है, कोई भी टैबलेट है, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है एपीआई, केमिकली एक्टिव एपीआई एंड केमिकली इनएक्टिव एक्सीपीएम, ठीक है। और एपीआई का काम क्या होता है, एक्चुअल में जो इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्रिएट करने हैं वो यहां पर लेकर आना। चलते हैं यहां पर इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, क्वेश्चन फिफ्थ को देखते हैं, जो कि आईसीएमआर को लेकर है। पूछ रहा आईसीएमआर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही हो जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है आईसीएमआर ने डेवलप किया है एक आई ड्रोन डिलीवरी मॉडल जो कि क्या करेगा, लाइफ सेविंग मेडिसिन को डिलीवर करेगा। आईसीएमआर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर काम करता है। 10 सेकंड का टाइम शुरू कर दिया है क्योंकि रिसेंटली आई ड्रोन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल को लेकर आया है और ये शुरू किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यस, इस तरीके का एक सिस्टम जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए लेकर तो आया गया है, बट यहाँ पर आईसीएमआर जो न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है, एक अपेक्स बॉडी है इंडिया के अंदर फॉर फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो गया है, ड्रोन्स का एक नया इस्तेमाल किया जा रहा है। जब मेंस में ड्रोन्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये इंस्टेंसेस, ये एग्जांपल जरूर लिखेगा कि भारत सरकार किस तरीके से ये जो ड्रोन्स हैं इनको यूज कर रही है क्रिएटिव एरियाज में। मिशन यूपीएससी 2022 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ यू वर सेंडिंग मी मेल्स कंसर्निंग दिस, तो यहाँ पर मैं सभी के लिए एक बार बता देता हूँ। तो यस, इसके अंदर आपको राइट फ्रॉम ए टू जी, 0 से लेकर 100 तक आपकी तैयारी जो है कराई जाती है, बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट किया जाता है, एनसीईआरटी से स्टार्ट किया जाता है और फिर आपकी स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है वो भी कवर करी जाती है। द मेन थिंग अबाउट दिस कोर्स इज कि आपको क्लास लेक्चर तो मिलते हैं, तो क्लास लेक्चर की जो वीडियोज हैं वो तो मिलते हैं जैसे आपको बाकी कोचिंग्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एमसीक्यू वीडियोज भी मिलते हैं जो कि आपको प्रिलिम्स क्रैक करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज काफी बार देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का जो प्रिलिम्स एग्जाम है वही नहीं हो पाता है और वहीं पर ही वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है सरपास करनी जरूरी है, और जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मुझे भी प्रिलिम्स जो था उससे ज्यादा मेरे को खतरा रहता था मेंस के कंपैरिजन में भी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेंस और इंटरव्यू तो फिर भी टैकल किया जा सकता है, लेकिन जो प्रीलिम्स है वो काफी डाइसी रहता है और आजकल अगर आप देखेंगे और भी ज्यादा डाइसी हो गया। इसी वजह से इस पे अलग से ध्यान देना काफी जरूरी है। दैट्स व्हाई जो आपकी एमसीक्यूज की सीरीज है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, आर्ट एंड कल्चर की हो, एनवायरमेंट की हो, तो सारे सब्जेक्ट्स जो है उनको एमसीक्यू के थ्रू भी कवर किया जा रहा है, और जो क्लास लेक्चर होते हैं जैसे आपको बाकी कोचिंग्स में मिलते हैं वो भी कवर किया जाएगा, ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरीके से आपकी तैयारी हो सके। प्रीलिम्स में आप बिल्कुल भी ना रुके और वहां पर एमसीक्यू के अंदर अच्छा स्कोर करें और उसके बाद मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी आपको मिले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, टीआईडब्ल्यूडी के बारे में। यहाँ पे बात करिए टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स को लेकर पूछा, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का एंड UNDP का। ये एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ट्रांसफर ऑफ टैक्स ऑडिट नॉलेज टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्या क्या असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्रीज को दी जाती है वो यहाँ पर मेंशन किया गया, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। सेशल्स TIWB प्रोग्राम लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद इंडिया। तो सेशल्स ने भी जो आपका टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर है वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है। तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है UNDP का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन FATF का नहीं, ध्यान रखिएगा, इट इज द ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ UNDP और UNDP के साथ और कौन शामिल है, OECD। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके थ्रू ट्रांसफर ऑफ टैक्स ऑडिट नॉलेज को लेकर साथ ही साथ एक्सपर्ट असिस्टेंस इसके अंदर प्रोवाइड करी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सपर्ट असिस्टेंस हो गई, ट्रांसफर ऑफ टैक्स ऑडिट नॉलेज हो गई, TIWB सेंड्स एक्सपर्ट टैक्स ऑडिटर्स को भेजा जाता है टू असिस्टेंस रिक्वेस्टिंग होस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई भी कंट्री इस तरीके की असिस्टेंस चाहती है अपनी ऑडिट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो वहां पर ऐसे ऑडिटर्स को भेजा जाता है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के लिए कौन से एरिया के अंदर, 4 एरियाज आपके सामने हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज में, इट वॉज एवरीवेयर, और एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। वैसे देखिए नेम कम पूछे जाते हैं कि ये प्राइज किसको मिले, क्योंकि नेम पूछे जाते हैं यूजली आपके PCS एग्जाम में,
एसएससी में या फिर दूसरे एग्जाम्स के अंदर, नाम भी आपको पता होने चाहिए, लेकिन हाँ यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है कि किस चीज के लिए मिला है और उस चीज की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो किस चीज के लिए मिला है, यहाँ पर आंसर होगा रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए दिया गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो 2021 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन जो है इसे अनाउंस किया गया है रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। अमेरिकन साइंटिस्ट है हमारे, नाम लिख देता हूं यहां पर, डेविड जूलियस एंड आर्डम पेटापिटियन। ठीक है, तो यहां पर इनको ये प्राइज दिया गया है क्योंकि इन्होंने बेसिकली बताया है कि एबिलिटी क्या है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे आईज है, ईयर्स है, स्किन है, इनकी देखने की, सुनने की, फील करने की, ये क्या एबिलिटी है और ये स्पेशलाइजेशन क्या है। ठीक है, इनके बारे में इनको रिलेट किया गया है इनके रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच के साथ। इन्होंने जो सेपरेट प्रेशर सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं इन द सेल्स उसके बारे में भी बात करी, जो फाइंडिंग्स है, कहा जा रहा है कि ये हमें कैसे हम हीट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वही बॉडी के अंदर, वही हमारे स्किन के ऊपर, वही हमें बताते हैं कि बाहर ठंड है एनवायरनमेंट के अंदर या गर्मी है। ठीक है, तो इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है, मैकेनिकल फोर्सेस जो हमारी बॉडी के ऊपर होती हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन इन्हीं रिसेप्टर्स के द्वारा दी जाती है, तो और भी ज़्यादा बेहतर जानकारी जो है इनकी रिसर्च से हमें मिल पाएगी। तो किस एरिया में रिसर्च करी गई है और किस तरीके की रिसर्च है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया, करेक्ट आंसर विल बी सी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि अटलांटिक नीनो के बारे में है, नीनो कह सकते हैं आप इसको, पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज कैरेक्टराइज बाय वार्मर देन एवरेज सी सर्फेस टेम्परेचर इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल बेसिन ऑफ एटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा कंपेरेटिवली वार्मर होगा इस सिचुएशन के अंदर, अनलाइक एल नीनो इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। IITM के रिसर्चर्स ने अभी शो किया है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्शन सिस्टम इज डेफिशिएंट इन प्रेडिक्टिंग एटलांटिक नीनो, मतलब जब एटलांटिक नीनो है इसको प्रेडिक्ट करने में मुश्किल होगी IMD को, दैट इज इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, ये बताया गया IITM के रिसर्चर के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इनके पास सिस्टम जो है वो उतना अप टू द मार्क नहीं है, वो डेफिशिएंट है। अटलांटिक नीनो जो है इट इज ऑल्सो नोन एज एटलांटिक जोनल मोड, AZMB से कहा जाता है, और इसमें जो सी सर्फेस टेम्परेचर होता है ईस्टर्न इक्वेटोरियल बेसिन का बिल्कुल सही है, वो वार्मर होता है, वार्मर देन एवरेज। अगर एवरेज टेम्परेचर जो है मान लीजिए वो 30 डिग्री है तो यहाँ पे आपको 35 डिग्री देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है करेक्ट, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड इन द ट्रॉपिक्स वाया द ओशन। तो अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन जो है डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अटलांटिक नीनो जो है इसका अफेक्ट आपको भारत के जो मॉनसून है उसके ऊपर देखने को मिलता है, एंड इट अफेक्ट्स द मॉनसून बाय प्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक वेव्स। तो यहाँ पर ये चीज नहीं कही जा सकती कि इसका इंपैक्ट हमारे मॉनसून पे नहीं दिखाई देगा, थ्रू द वेव्स इट इंपैक्ट्स इंडियन मॉनसून ऑल्सो। और अभी एक इनक्वेस्ट के द्वारा भी स्टडी करी गई थी जिसमें दिखाया गया कि नंबर ऑफ लो प्रेशर सिस्टम जो होते हैं दैट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय अटलांटिक नीनो, और इसकी वजह से भारत के अंदर जो मॉनसून है वो काफी डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, GI टैग्ड अलीबाग वाइट अनियन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से आते हैं, ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। रिसेंटली अलीबाग वाइट अनियन जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर वो यही है कि ये जो अनियन है इनको GI टैग जो है वो दिया गया है रिसेंटली, इसी वजह से न्यूज में थे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है, ये आती है DPIIT के अंतर, DPIIT किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, सो इट इज लोकेटेड इन बी महाराष्ट्र, स्पेशल वाइट अनियन जो है इसे अलीबाग में उगाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, और ये अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, इनकी पूरी स्किन वाइट होती है, अभी मैं आपको एक फोटो में दिखाने वाला हूँ, और जो बेसिकली स्किन है वो व्हाइट कलर की होती है, एंड दे आर नॉट एज पंजेंट एज अदर वेराइटीज ऑफ अनियन, जैसे अगर आप देखेंगे रेड अनियन जो है उसकी जो स्मेल होती है वो काफी पंजेंट होती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो लो पंजेंसी जो है वो इसमें पाई जाती है, इसका जो टेस्ट होता है वो भी स्वीट होता है, और जो लो पंजेंसी है उसकी वजह से जब इसे काटते हैं तो रोना भी नहीं पड़ता, जैसे कि बाकी अनियन को काटते हुए शायद रोना पड़े। ठीक है, तो रिसर्चर्स पॉइंट आउट दैट इट मे बी ड्यू टू द लो सल्फर कॉन्टेंट जो इसके अंदर पाया जाता है, तो इसी वजह से जब भी हम इसे काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। ठीक है, इम्यूनिटी को काफी बूस्ट करता है, इंसोमनिया के अंदर हेल्प करता है, ब्लड क्लीनिंग के लिए इसे जाना जाता है, और हीट रिलेटेड एलिमेंट्स जो होती हैं उसके अंदर भी ये काफी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर विल बी बी। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल के बारे में पूछा है कि बताएं
कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। एन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही ज्वाइंस पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बींग इलेक्टेड। इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर जो होते हैं उसको डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन विद इन 3 months। 3 महीने के अंदर यहाँ पर डिसाइड करना होता है किस चीज के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। एन इंडिपेंडेंट एमएलए हैज सेड दैट ही ज्वाइंड अ पॉलिटिकल पार्टी। अभी न्यूज में थे तो एक इंडिपेंडेंट एमएलए ने कहा कि उन्होंने दूसरी जो पार्टी ज्वाइन करी है वो किस चीज के लिए करी है, आइडियोलॉजिकली, एज वहां से वो इलेक्शन को नहीं लड़ पाए लेकिन बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर के तौर पे इलेक्शन को लड़ा और जीते भी सही और बाद में जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर हम 10th शेड्यूल को देखते हैं, जो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर होते हैं वो अगर जीत जाते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे एंड ज्वाइन्स ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, तो वहां पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। अगर हम बात करें इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, द लॉ स्टेट्स की प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन को विद इन 3 months, तो ऐसा कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेकिन हाँ, 2 मिनट के अंदर मैं आपको रिविजन कराने वाला हूं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फास्ट ट्रैक एक्टिव रिविजन, जिसका मतलब है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको उसको लेकर जितनी भी चीजें आपको याद है आप उसे रिकॉल करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर करने की कोशिश करिएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, जल्दी से बताएं कौन सी मंथली मैगजीन उन्होंने निकाली थी। अभी प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट्स पे करे हैं, इंडिया हाउस जो था लंदन में बनाया गया था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वॉज द नेम ऑफ द मैगजीन। देन हमने जीएफएसआर के बारे में देखा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन लेकर आता है, एफएसआर कौन लेकर आता है, दोनों चीजें मुझे बताइएगा। जीएफएसआर तो हमने यहाँ पर देखा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, लेकिन एफएसआर स्टिल आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। PIL जो सिस्टम है कौन से जस्टिस के द्वारा लेकर आया गया था ये बताइएगा। क्या इसमें वही व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है, PIL फाइल कर सकता है जो कि एग्रीव्ड है। आंसर इज यस और नो, आंसर विल बी नो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी जो इसके अंदर PIL को फाइल कर सकती है। जस्टिस PN भगवती इज द करेक्ट आंसर, जस्टिस की जो हमने बात करी। API जल्दी से बताएं हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। API डेफिनेटली ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं किया जाता, हमारी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। देन ICMR के बारे में डिस्कशन किया था। ICMR हैज डेवलप्ड आईड्रोन सिस्टम और आईड्रोन सिस्टम जो है वैक्सीन डिलीवरी का काम करेगा। ICMR कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये जल्दी से बताएं। सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ध्यान रखिएगा। फिर हमने मिशन यूपीएससी 2022 के बारे में देखा। इस पूरे कोर्स को चेकआउट कर लीजिएगा, exam.netmark.com के ऊपर अवेलेबल है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जिसमें आपकी MCQs के साथ साथ आपकी जो क्लास लेक्चर्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, आंसर राइटिंग भी आपको मिलती है, तो एक फुल फ्लेश तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग TIWP, तो यहाँ पर किस कंट्री के साथ हमने पार्टनरशिप करी है, यहाँ पर ऑडिटिंग को लेकर असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है, सेशल्स इज द नेम ऑफ द कंट्री। देन हमने नोबल पीस प्राइज के बारे में जाना, किस वजह से दिया गया है, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, नाम बता सकें अगर उन अमेरिकन साइंटिस्ट के तो बताइएगा, डेविड जूलियस एंड आर्डम पेटापोटन, ये हमने नाम भी यहाँ पर डिस्कस किए थे। देन हमने एटलांटिक नीनो के बारे में देखा, एटलांटिक नीनो के बारे में जल्दी से मुझे बताएं क्या इंडियन ओशन में इंपैक्ट होता है, यस और नो। और यहाँ पर IITM ने कहा कि IMD के पास उतने अच्छे से सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि इसके बारे में पहले से जानकारी दी जा सके, एंड यस इट डू इंपैक्ट द इंडियन मानसून ऑल्सो। GI Tag हमने देखा था, तो जल्दी से बताएं कि हमने व्हाइट अनियन के बारे में बात करी, कहाँ से आते हैं व्हाइट अनियन और ये इम्यूनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, अलीबाग इज द करेक्ट आंसर। देन हमने 10th शेड्यूल के बारे में देखा, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है किससे रिलेट करता है, यहाँ पर देखा कि डिफेक्शन से रिलेट करता है और यहाँ पे कोई इसको लेकर टाइमलाइन जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जल्दी से अपने मार्क्स कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है वो कौन से 2 देशों के बीच में होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में करिएगा, दिस इज द प्रिलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। जल्दी से अभी मुझे बताएं कि यहाँ पर कितना कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, और सेकंड चैनल जो है उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे नेटमोक यूपीएससी करके सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलता तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर अब डेली बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट जो है वो डाले जा रहे हैं और बहुत जल्दी द हिंदू एनालिसिस जो है वो भी यहाँ पर रेज्यूम किया जाएगा। मार्क्स जल्दी से मुझे बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में आपने कितना किया है। इस पूरे लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अदरवाइज आप नेटमोक करके भी टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय। एंड वन मोर थिंग, यस यू कैन ऑल्सो टेल अस की वट काइंड ऑफ वीडियोज यू वॉन्ट,
अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जो आप चाहते हैं कि वो हम बनाएं कोई पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, चाहे वो हाउ टू स्टडी को लेकर हो, हाउ टू मेक शेड्यूल को लेकर हो, तो ये भी चीजें आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय, आई विल सी यू टुमारो।